हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन जैन। आज हम बात करेंगे TCS के बारे में, जिसके नतीजे भी आए हैं और इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो उसी के बारे में जानेंगे। कुछ दिन पहले बताया था कि इनके फाइनेंशियल्स आएंगे और अच्छे आएंगे, तो फाइनेंशियल्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं, तो इस स्टॉक के अंदर और थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जिसने भी ले रखा है वो होल्ड भी कर सकते हैं। इसका अगर आप देखेंगे तो 1890 के करीब ये स्टॉक चलता था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, और 52 वीक लो 1338 का है और हाई 2275। तो लास्ट ईयर 2018 में अगर आपने देखा होगा, कंपनी ने बोनस इशू भी किया, बायबैक भी किया 2100 के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा TCS के लिए 2018 का रहा। और उम्मीद है 2019 का भी जो ईयर है TCS के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो इसका देखेंगे तो मार्केट कैप 7 लाख करोड़ के करीब है, टॉप लेवल की कंपनी है लार्ज कैप की, 1 रुपये का फेस वैल्यू है। और इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, आप भी इजीली BSE से लेटर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम डिविडेंड की बात करेंगे, कितना डिविडेंड दिया इसका। अगर आप देखेंगे टोटल इनके रेवेन्यू रहे हैं 38,501 करोड़, जो कि सितंबर क्वार्टर से भी बड़े हैं, 37,584 करोड़ सितंबर क्वार्टर में था, और 2017 के दिसंबर क्वार्टर में 31,774, जो कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर से भी। और टोटल टैक्स वगैरह अगर काट के नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 8,121 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकला है, और सितंबर क्वार्टर में 7,927 का था, और 2017 दिसंबर क्वार्टर में 6,545 का। तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों काफ़ी अच्छे TCS के आए हैं। तो ये स्टॉक जो है ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है और काफ़ी अच्छा मींस एवरी ईयर रिटर्न भी देते आया है कंपनी। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का ही नज़रिया रखिए, क्योंकि डॉलर जो है जब तक 70, 71, 72, तो कंपनी को डेफिनेटली प्रॉफिट तो ज़रूर थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि डॉलर्स में इनको पेमेंट आता है और काफ़ी अच्छा फ़ायदा इनको हो रहा भी है। तो लंबा नज़रिया रखिए और एवरी गिरावट के अंदर आप थोड़े थोड़े स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ज़रूर इस स्टॉक के अंदर लीजिए, ताकि काफ़ी अच्छा रिटर्न इनकम बना सके आप लॉन्ग टर्म में। इसका अगर आप डिविडेंड की बात करेंगे तो 2018 में 5000% तक का डिविडेंड दिया था, और अब अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड 400% का कंपनी ने दिया है। लगभग 1 रुपये का फेस वैल्यू है तो 4 रुपये के करीब बनता है, और जो रिकॉर्ड डेट है वो 18 जनवरी 2019 है। जो लेना चाहते हैं या जिसके पास स्टॉक है तो रिकॉर्ड डेट ध्यान में ज़रूर रखिएगा 18 जनवरी, और जो पेमेंट डिविडेंड का होने वाला है वो 24 जनवरी से शुरुआत होगी। तो ऐसा नहीं कि 24 तारीख को ही मिलेगा, 24 को भी मिल सकता है, उसके आगे 8-10 दिन के अंदर इजीली आपके सेविंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो आज इसी के बारे में बोलना था, ताकि आप सभी को आइडिया आ सके। फिर से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इंट्राडे के लिए भी आप मॉर्निंग में इसमें ट्रेड देख सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक लीजिए जिसके अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं, अच्छे फाइनेंशियल्स आ रहे हैं, और न्यूज़ बेस्ड के अंदर इजीली इंट्राडे में भी प्रॉफिट होता ही है। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। चलिए, थैंक यू।